देते हो, जितना तुम खर्चा करते हो, वो अक्षय पात्र है, बढ़ता जाता है। बैठ के पकड़ के, अरे अरे इतना बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं सोचते। इसलिए सुखी है सब। महाराज जी कहते रहते हैं, मेरा नाम सुखी है, जितना जरूरत है उतना से ज्यादा अपने आप आ जाता। मैं भी यही कहता हूँ। एक सज्जन मुझे मिले थे इंग्लैंड में कई साल पहले। वो उगांडा के बहुत बड़े उद्योगपति रहे, गुजराती। दुनिया में कहीं भी जाओ गुजराती मिलेंगे, और वो रहेंगे उद्योगपति, कुछ काम अपना काम करते हैं। पंजाबी या गुजराती, जगह जगह जाए वो काम करते हैं अपना अपना धंधा। कहते कोई चांद पर भी गया तो उधर भी खेमचो किसी ने आवाज दी। उधर भी खांड भी लेके आया था। तो गुजराती आए हमको मिले, गुरुजी उगांडा में इतना बड़ा हमारा व्यापार था, चार फैक्ट्रियां थी, टेलीविजन बनाने की, टेप रिकॉर्डर टेलीविजन सारे इलेक्ट्रॉनिक की। जब वहां हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया, एक ईदी अमीन करके एक आधुनिक राक्षस पैदा हुए थे वहां पर, उसका राज्य में सारे बोले कि एक दिन बोले सारे हिंदुस्तानी यहां से भागो। इनको बोरा पुस्तर सब लेके एक सूटकेस के साथ वहां से भाग निकलना पड़ा, सब कुछ छोड़ के। इतनी बड़ी फैक्ट्री, बोले हम लोग चार जनरेशन से रहे, माने चार पीढ़ी से वहां रहे, और 10 पीढ़ी तक की हमारी कमाई थी, जितना हमें चाहिए उतना संपन्न थे हम, मगर एक ही रात को जान बचाने के लिए जो कपड़े पहने थे उसी के साथ, उसी में एक सूट के साथ में जो सोना मिला उसमें लगाकर इंग्लैंड भाग के आना पड़ा। उन्होंने कहा उस दिन हमको लगा कि ईश्वर है। बोले कि ये पैसे, हम सोच रहे थे ये पैसे हमारा सुरक्षा है, उस दिन लगा पैसे से नहीं। पूरा परिवार लेके जाना पड़ा इंग्लैंड में, और सड़क पे उनको वो बेचना पड़ा सैंडविचेस। बोला कि ईश्वर किसी भी अमीर को कभी भी गरीब कर बना सकता है, और कोई भी गरीब को कभी भी अमीर बना सकता है। ऐसे ही हमने एक और सज्जन से हमारी मुलाकात हुई, वो कैलिफोर्निया में होमलेस थे, माने जिस बेघर के भिखारी भीख मांग मांग के खाते थे, वो उन्होंने बताया। आज उसने तो इतनी बड़ी फैक्ट्री उनकी चल रही शैम्पू से, पॉल मिचेल करके उनका बहुत बड़ा चला। वो बोले मैं तो होमलेस था, ऐसी ईश्वर की कृपा हुई अचानक बड़ा फैक्ट्री, इन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा नाम ऐसे इन्होंने किया। तो ईश्वर विश्वास जहां होता है वो पैसे के बारे में सोचते नहीं, घबराते नहीं। बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, चलाकी से नहीं। देखो ये फर्क है, चलाक आदमी सोचता रहता कहां से किससे क्या हड़पो, इससे ये हड़पो उससे वो हड़पो, गलत ढंग से पैसे बनाना